And pulmonary edema. Deployed in these conditions, the Ladakh scouts keep a vigil on the borders. Handing Brook is a place in Ladakh. Two words, Handing and Brook. Thank you so very much, sir. It's a pleasure that you have come. अच्छा बोले आप. मेरे ख्याल से आपने जितनी सीख दी हमको मेरे ख्याल से इस JCO लेवल में और हवलदार और सेक्शन लेवल की लड़ाई के लिए मेरे ख्याल से बहुत बहुत जरूरी है और बहुत अच्छी चीज होता है. बहुत बहुत शुक्रिया सर. अब किस रास्ते से गए मुझे वो रास्ते देखना चाहता हूँ मैं. तो एमिनेशन लेने आप कैसे गए, कितना वक्त लगा आपको पहुँचने में? आपने बताया 6 घंटे वापस आने में और 4.5 घंटे जाते हैं. मुझे आपको सुनना अच्छा है, जरूर कुछ ना कुछ बहुत चीज़ें की होंगी. तो अब आपके सिपाही थे, सिपाही थे रहते रहते यहाँ पे. जैसे मैं अपने ऑपरेशनल जहाँ पे हम लोगों ने ऑपरेशन किया उस इलाके में आने का ये पहला मेरा मतलब वो एक्सपीरियंस है. उससे पहले भी हुआ है, एक दो बार हुआ है, लेकिन ऐसे नज़दीक जहाँ पर हम लोगों ने अपना ऑपरेशन किया था उसके नज़दीक आके, हाँ पोस्ट के नज़दीक आके जो ग्राउंड सिचुएशन को दिखाते हुए ब्रीफिंग करना, लोगों से बातचीत करना और अपने ऑपरेशन के बारे में बताना, और उसके बाद पूरे यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ हमारा जो ऑडियंस है, स्कूल के बच्चे, उसके अलावा जितने भी हमारे वेटरन्स हैं, बाकी सर्विंग ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने इंटरेस्ट लिया यहाँ पे इकट्ठे हुए, हमारा जो किस्सा है उन्होंने सुना, तो वो पहली बार हो रहा है. और ये मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कमांडर 192 ब्रिगेड, ब्रिगेडियर मोहित सक्सेना VRC, जो एक बहुत ही सदे प्रोफेशनल और एक बहुत बढ़िया सोल्जर हैं. नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है चोरबाटला. वैसे भी टैक्टिकली एक बहुत इम्पोर्टेंट पास है, और अगर ये पाकिस्तान के हाथ में चला जाता उस समय, तो यहाँ से नीचे हनुथंग तक रोल डाउन करना, और उसके अलावा यहाँ से फिर इन्फिल्ट्रेशन रूट है जो 102 ब्रिगेड की तरफ जाता है, तो ये एक बहुत ही पेचीदा मतलब वो है, बहुत ही मैं कहूँगा यहाँ पर अगर इसको हम छोड़ देते, ये हमारे हाथ में नहीं रहता. इम्पॉर्टेंट होगा डिस्टेंस वाइज, जैसे हम स्विचिंग ऑफ फोर्सेस बोलते हैं, एक थिएटर से दूसरे थिएटर में इमीडिएटली रिएक्ट कर पाना, उसमें बिल्कुल ही मतलब वो बढ़िया होगा. ये एक विजनरी मतलब वो डेवलपमेंट है, और उससे बहुत टैक्टिकली स्ट्रैटेजिकली चेंजेस आने वाली हैं, और उसके अलावा यहाँ के लोगों के लिए डेवलपमेंट का एक बहुत बढ़िया जरिया होगा. खासकर ये हनुथंग है, गाँव है यहाँ, तो मतलब एक ऐसा चेंज आएगा, एक बदलाव आएगा, और यहाँ पे मतलब जो कमर्शियली वो तो होगा ही होगा टूरिज्म की वजह से, जो आप ले में देख रहे हो, यहाँ भी डेवलपमेंट आएगा उस तरह से.